हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू लच्छा नमकीन की रेसिपी। और ये व्रत की स्पेशल रेसिपी है। पसंद आती है तो वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बनाएं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 मीडियम साइज के आलू और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे मूंगफली ली है। आलू को हम अच्छे से छील लेंगे और इन्हें छीलने के बाद हम साफ पानी से 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। आलू को वॉश करने के बाद मैंने एक बाउल में पानी लिया है और मैंने यहाँ आलू को लिया है और मैं एक ग्रेटर ले रही हूँ। इसे मैं आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। आप देख सकते हैं, आपके पास अगर बड़ा कद्दूकस है तो आप बड़े कद्दूकस से भी कद्दूकस कर सकते हैं। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है और मैं इसे लगातार 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। इसे अच्छे से पानी से धो लेंगे। धोने के बाद मैंने आलू को अच्छे से निचोड़ लिया था। अगर आपको इसमें ज़्यादा मॉइस्चर लग रहा है तो आप एक टॉवल ले लें कॉटन की और उसमें ये ग्रेट किए हुए आलू डाल दें और इसे अच्छे से दबा दबा के इनका पानी अच्छे से आप सोक कर लें। जिस तरह से मैं कर रही हूँ वैसे आप कर लेंगे। अगर आपके पास कॉटन का कोई हैंकी है, टॉवल है, तो आप इसे आसानी से इसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और उसमें ऑयल डाल दिया है और मैंने यहाँ पे जो आलू लिए थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। देखिए, मैं इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मीडियम ही फ्लेम पे हमें ये पकाना है। देखिए, आलू के लच्छे बिल्कुल तैयार हो गए हैं और इसको हम निकाल लेंगे अलग साइड से। इनका जो ऑयल है अच्छे से आप निचोड़ देंगे, उसके बाद ही आप इसे अलग प्लेट में निकाल के रखें। इसी तरह से आप सारे आलू को लच्छों को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। आलू के लच्छे भुनने में थोड़ा सा समय लगता है, मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे पकाया है इसलिए। अब जो हमने जो 4 चम्मच मूंगफली के दाने लिए थे मैं इसको फ्राई कर ले रही हूँ। मूंगफली के दाने बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल देंगे बिल्कुल साइड में। मैंने एक बाउल ले लिया है और मैं इसके लच्छे जो मैंने आलू के बनाए थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और मैंने यहाँ पे ले लिए हैं मूंगफली के दाने जो कि मैंने अभी फ्राई किए हुए थे, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद कुछ मसाले मैं ऐड कर रही हूँ फ्लेवर लेने के लिए, जो कि मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। अगर आप व्रत में खाते हैं तो आप इसका यूज़ करिए, नहीं तो स्किप कर सकती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेंधा नमक जो कि 1/4 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने मिक्स किया है। और हमारी ये जो नमकीन है बिल्कुल रेडी हो गई है चाय के साथ खाने के लिए। मैं इसे धनिया से गार्निश कर रही हूँ, पसंद आए तो आप भी करना। अगर आप वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।